और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लेटरल एंट्री योजना का जमकर विरोध होगा। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि यह पहली बार हो रहा है कि पिछले 10 दरवाजे से बिना आरक्षण के सीधे तौर पर एंट्री करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि निश्चित तौर पर विरोध सबको करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों ने पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है। कोई ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, लोग चाहते कि शौचालय में बैठे, और लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है वो मिटे, और मुख्य तौर पे जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आ गया है। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रह गया? ये तो साफ तौर पर साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखिएगा इस तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार लगातार, हम लोग कई बार जो है आवाज़ उठाए, ये लोग जो है शेड्यूल 9 में जो है ये लोग डाल नहीं रहे। बिहार का जो आरक्षण हम लोगों ने दिया था 75%।